नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आजकल हमारी ज़िंदगी तो उन्नत होती जा रही है, लेकिन हमारे घर छोटे होते जा रहे हैं, दिल छोटे होते जा रहे हैं। इसी के बारे में महात्मा विदुर का नीति वचन आज हम आपको सुनाएंगे। महात्मा विदुर क्या कहते हैं कि गृहस्थ के जीवन में कौन लोग गृहस्थ के घर में निवास करने ही चाहिए। चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु श्रिया भेजुष्टस्य गृहस्थ धर्मे वृद्धो जाति रसवसन कुलीनः सखा दरिद्रो भगिनी चानपत्या। अर्थात गृहस्थ धर्म में स्थित धन धान्य से भरपूर आपके घर में, कि अगर गृहस्थ धर्म में आपके धन धान्य से भरपूर आपका घर है, तो उसमें चार प्रकार के व्यक्ति अवश्य रहने चाहिए। बूढ़ा संबंधी, अगर आपका संबंधी कोई बूढ़ा है तो उसका निवास आपके घर में होना चाहिए। कष्ट में पड़ा हुआ कुलीन, कोई व्यक्ति है जो अच्छे कुल से है लेकिन कष्ट में पड़ा हुआ है, तो उसका भी आपके यहाँ निवास करना चाहिए। धनहीन मित्र, अगर कोई मित्र संकट में है, वह उसके पास धन नहीं है, उस वक्त तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे मित्र का आपके यहाँ निवास करना अच्छी बात होती है, उसका साथ आपको देना चाहिए। और संतानहीन बहन, अगर आपकी बहन संतान से विहीन है, तो उसको भी आपके यहाँ निवास का आपको करवाना चाहिए, उसको निवास आपके यहाँ होना चाहिए। वास्तव में कुटुंब का वृद्ध अगर घर में रहेगा तो कुल धर्म कुल मर्यादा का उपदेश देता रहेगा, ज्ञान देता रहेगा, क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ बुजुर्ग नहीं होते, एक पूरी ज़िंदगी जी हुई होती है। उनने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सुना होता है, पढ़ा होता है, उन लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों का ज्ञान जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से लिया होता है, वह जिंदगियों भी ज्ञान के रूप में उनके साथ होती है। इसलिए बुजुर्ग एक ज्ञान की बड़ी पुस्तकालय होते हैं, बड़े पुस्तकालय के समान होते हैं। इसलिए जब वह साथ होते हैं तो अक्सर आपके घर के छोटे बच्चों को एक बड़ा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान बुजुर्ग प्रदान करते हैं, क्योंकि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वह सब कुछ देख चुके होते हैं। इसीलिए वह जो कुछ भी कहते हैं, बताते हैं अपने लोगों को, विशेषकर वह जिंदगी का अनुभव होता है। अगर संकटग्रस्त कुलीन घर में रहेगा तो बालकों को आचार विचार की शिक्षा, कुलीन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आपको बच्चों को शिक्षा देता रहेगा। और आश्रयदाता, जो आप आश्रय देते हैं, उसकी वृद्धि की कामना करता रहेगा, और जब वह अच्छा बनेगा तब आपकी मदद अवश्य करेगा। मित्र के हित की बात आपके कहेगा, अगर मित्र आपके यहाँ रहेगा तो साथ ही साथ अगर बहन रहेगी तो प्रेम बच्चों से करेगी और घर की रक्षा करेगी। इसमें एक बात विशेष रूप से है कि आप अगर लोगों की मदद करते हैं तो आपके संकट के समय लोग भी आपकी मदद करते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, महात्मा विदुर के इन वचनों को अपने जीवन में उतारें, उन्नति की ओर अग्रसर हों। इसी के साथ इस तरह के और नीति वचनों के लिए, वैदिक विचारों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए अब तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।